कि हमार बेटी ना आई। इसे रुआ से हाथ जोड़ के नहीं हो रहा बा, आदमी के मामला में मंगा सिटी मत परेशान करी। ऐसे का देखा बारू पानी हा पीला। अच्छा हाँ पानी हा। मीना जी हम मानत बानी कि जब लोग पुलिस और कोर्ट में आवेला तो डरा जाला, रउआ के भी डराव टाइबा, लेकिन ऐसा झूठ न बोले के चाहिए, ऐसा झूठ न बोले के चाहिए। केशव जी हम कौनो झूठ नहीं के बोल ले बानी। अभी रउआ कौन हालात से गुजर रहा बानी हम समझ सकेंगे। रउआ हमारे परिवार के लोग के झूठा साबित कर रहा बानी ठीक बा, लेकिन रउआ अपने बाबूजी की बात के खारिज कर रहा बानी ये ठीक नहीं के। मीना जी जिंदगी में हम बस एगो बात सीखनी कि सच्चाई की राह कितना भी कठिन हो लेकिन अंत में जी सच्चाई की वो खेला रघुआ भी सच्चाई की राह पे चले, मुश्किल समय में हिम्मत और शांति से काम करे के चाहिए। ऐसे पानी पी के मन के शांत करें। तब तक हम खाए का इंतजाम कर बने। हम रउआ के कैसे समझाएं कि हम झूठ नहीं के बोलत बानी। यही से हमके यकीन बा ई मुकदमा हम ही जीतो। दीदी फोन आवत है। दीदी हेलो भैया हमके नहीं लागत कि दीदी फोन पे बात कर पाई है। अच्छा ये सब छोड़ी ना, पहले ये बताई कि वो चुड़ैलिया के फांसी के फैसला भइल कि ना। अरे छुटकी कनिया फोन के स्पीकर पर लगाओ। हाँ हाँ भैया कर देनी स्पीकर पे। देखा अभी तक कोनो फैसला नहीं किया और ये केस एगो अलग ही मोड़ ले ले, ले बा। और सबसे बड़ा अचरज वाला बात तो ई बा कि मीना हर बात से इनकार कर रहल बड़ी। तो झगड़ा के तो कोनो बाते नहीं थे और इतने ना उनकर बाप जो गवाही देले बड़े उकरे के स्वीकार करे से इनकार कर रहल बड़ी। का मतलब भैया माने वो बच जाए का? अरे कोर्ट कचहरी कोनो खेला थोड़े होला कि केहू बच जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं खेल। रिपोर्ट का है भैया? वो कौन मार जाने बीमार पड़ गई भैया? अभी उनकर नाखून और हाथ के निशान के मिलान हुई। अभी वो अपना मुंह से बताओ तरीके हम मुझे रहबे ना कहीं। जबकि वो अपना बहन के चेहरा पर और सिंटू के देह पर अपना उंगली से निशान मर ले ली। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तब पता चल जाये कि वो निशान उनकर देहल रहे कि ना रहे। मतलब फॉरेंसिक रिपोर्ट के सच्चाई से वो इनकार नहीं की कर सकत। अच्छा अच्छा भैया हम समझ गयी नी। हाँ तो ठीक है बटे। अब फोन रखा तू, जैसे रिपोर्ट आई तो हम फिर दोबारा फोन करें ठीक बा। चल दीदी हमरा की तो लागत रहला तू हत्यारे नहीं है लेकिन ना वो एक नंबर के झूठी ही है झूठी। ऐसन मेहरारू से खतरनाक ना केहू ना हो सफेद झूठ बोलती है वो। कितना झूठ बोल ले आखिर को माई के हाय से ना बच पाई वो अपना कर्म के सजा पाके रहे। दीदी पता नहीं का है हमार चरण वो तक बकात पा। का फेल के सर जी के? अरे इनका खे कुछ देर खाते सुता देले बन पर काहे? ताकि हमनी के बता पाई कि रवा कैसे बच गई।
तो इन लोग जादू तो नहीं खेल बानी ना रउआ, सिर्फ अपना सच्चाई के कारण बचल बानी। तोरा मालूम बा वो रिपोर्ट पर तुहान उंगली के निशान काहे ना आई? काहे काहे वो निशान तो आ रहे मीना का ना मीनाक्षी के रहे। हाँ मीनाक्षी, तोरा सिर्फ मीना का चेहरा मिलल बा, बाकी देह तुहार बा। तोरा जिंदगी में जोन सुख दुख आई हो सकेला कहीं मीना के नाम पे हो सके, बाकी सहे के सब कुछ तुह के पड़ा। अगर तू लोग अपन जीत पर अड़ल बाटी तो तैयार हो जा अपन दोसर बेटवा के गवावे खातिर। जब कानून खुद ओकरा के माफ कर देलस तो हमनी के का कर सकी? बेटा के मौत के दुख भुला जाए ना के शोक माई, हमार बात समझे के कोशिश कर। हम ही कहत बानी कि ना तक कोर्ट मीना के दोषी मानता और ना ही केशव। चलत कोर्ट तक तो ठीक बा, लेकिन केशव के का कही जाओ? भैया बीच में टोकला खाती माफी चाहत बानी, लेकिन जब से वो लड़की ये घर में आई भैया ना, तब से घर के सुख शांति सब नष्ट हो गई बा। बहुत बड़का नौटंकी बाज लिया, पहले तक गौना खाती तैयार ना रहे, लेकिन अब ओकरा के देख के ऐसे लागा था जैसे ओकर इस दुनिया में केशव के अलावा केहू नहीं थे। जवन बेटा चाची माई कहत कहत मुंह न थकत रहे, आज वो मीना जी के अलावा कुछो नहीं थे जानत। बात कहूँ जानो तुम्हारी कि बाबू चिंटू वापस नहीं है। इमा हम वो एको भाई खो देने वाली, हम पूरा बचपन उनके साथ बितावनी, लेकिन उनका मौत के पीछे मीना कहीं दोस्त नहीं है। काहे कसूर नहीं के तब कुछ ओकरे चलते भई बा, ते चाची कौनो न कौनो रास्ता तो होखी ना, अब बड़का लोग रास्ता ना दिखाई तो हम का करब? इस सब के कौनो न कौनो समाधान तो होई ना। समाधान बाद समाधान इहे बा, ई मेरारू हमरा घर में ना रही। ई कौन समाधान हमाई? तू पूछला तो हम बताओ नहीं। हाँ जानत बानी की माई ये सब आवेश माँ के बोलत बानी, अब रघुआ कोई समाधान बताई? आवेश ने ना बिल्कुल होश में कहा तरी, हमरा पास भी एकर समाधान लिखे बुझा। आज हमनी के समाधान तरह सही कहे नहीं खिलागत, आज तक तो हमार सब बात के पालन कैला, हमार आदर्श बेटा रहला, अपना माई की हर बात तू मोती समझत रहला, आज का हो गई? मेहरारू क्या तो सब संस्कार भुला गयला?
ना भाई, तो हमके हर हाल में अपन कर्तव्य निभावे के सिखैले बाड़ू। तो बस बेटा के साथ साथ पति के भी कर्तव्य निभावत बानी। बड़की कनिया, ये कौन अनर्थ कर रहल बारू? नईकी कनिया के ऐसे घर से निकाले तारू? याद कर, एक दिन तुहु ऐसे ही एजा आयल रहलू बा, भगवान तारा के बिया के एजा लेके आई रहलस। सोच यदि हम ओ दिन तारा संगे ऐसन कैले रहती तो तारा कैसन लागल रहित। कुछ देर खातिर अपना के नईकी दुल्हिन के जगह पे रख के देखो। आमा जी, हमरा की तो लागत आ रउआ भुला गई बनी कि वो हम सबके साथ का कैले बिया। रउआ शायद भुला गई बनी कि जब घर के दो बड़ लोग बतियावे तब बीच में टर्टर ना करे के चाहिए। दीदी, रोला से कुछ ना हुई, वो औरत बहुत चलाक बिया, होकर हर हमला के जवाब हमनी के चलाकी से देवे के पड़ी। चलाक तो बिया, तबे तो केशव होकर हाथ पकड़ के ऐसे चला था। हाँ दीदी, केशव के उकरा जाल से निकाले के ही पड़ी, ना तो वो औरत के चलते सारा रिश्ता बर्बाद हो जाए। तो ठीक कहा तरु पटना वाले, हाजी के उकर एक कदम ये परिवार के सुख शांति के चकना चोर कर दे ले बा। अगर वो लड़की ये घर में रही तो पाचल खुचल सुख शांति भी तबाह कर दे। दीदी, केशव जितना छुड़ैल के नजदीक जाइए ना, उतना हम सबसे दूर चल जाइए। ना ना पटना वाले, ऐसे मत डरवाओ, हम अपना केशव से दूर नहीं खेल सकत। ही मीना हमार बेटा के छीन ले ले। जब से घर में आयल मिया सब रिश्ता एक दूसरा भूल आज करा गेल बा। ये पता हुआ का ऐसा पता कब वो एक जुटो के घर ना संभाल सके ले। समय रहते मकर मन तो समझ गेल बानी, जल्दी अमर के सभी बात समझ जाए। हम अपना आँखी के सामने अपन बेटा की जिंदगी उकरा के बर्बाद ना करे थे। वो कैसे समझी दीदी, केशव तो खाली दो दिन में उकरा पीछे घूमन शुरू कर दिया। अब तो भगवान ही मालिक बाड़े, पता ना वो चुड़ैया ऐसे कौन जादू कैले दिया। कहीं ऐसे ना उखे दीदी कि केशव के हमने से छीन ले। दीदी, हमने के कितना अरमान रहे कि केशव के गौना धूमधाम से कैल जाए, पूरा गांव वाला लोगन के बुलावल जाए, गरीबन के खाना खियावल जाए, उन लोगन के कपड़ा बांटल जाए, ताकि उन लोग हमनी के परिवार के तरक्की खातिर दुआ करें। लेकिन सब सपना पे पानी फिर गई। बाहर वालन के तो छोड़ी, हमनी के घर वालन के भी खाना छिना गई बा। छिना नहीं के गई, जहर हो गई बा। अब हमने से कुछ ना हुई दीदी, वो चुड़ैल के साथ समझौता कर लेवे के चाहिए।
अब तक अपना सिंटू के हथियारे के साथ एक छत के नीचे हम सबके रहे के पड़ी और वो हमनी के छाती पे बैठ के मूंग धरी और हमनी के चुपचाप बैठ के सब कुछ देखत रहब जा। अच्छा यही कुल छोड़ी, पहले चली रउआ कुछ खा ली, काहे की टेंशन लेवे खाती भी एनर्जी के जरूरत पड़ेला। नाना पटना वाले जब ले उलाई की ये घर में रहे हम दाना पानी ना छुआ। ऐसन मुंह बना के खाना लेके आवे से खाना जहर हो जाला। काश जहर बन गल रही तो 100 नारियल फोड़ देले रहती। खाए वाला खातिर ना, खियावे वाला खातिर। आओ लोग खाना खैलस की ना? आज तक क्यों खैले बका? फरुआ भोग लगावे से पहले राजयोग। हाँ, राजयोग तो लेके आई रहनी है, वही से तो तहरा जैसन मेहरारू वही घर में राज करता रही। हे राम, अब खोपड़ भजन शुरू हो गई। रुका, ज्यादा खोपड़ भंजन करे के जरूरत नहीं थे। ये बताव जे केशव आ नईकी कनिया के थाली लागल बा का? का अम्मा, रउआ के मालूम नहीं थे कि रउआ जे का समर्थन करता नहीं वो कौन बड़का कांड कैले बिया? मेहरारू, अरे तू तो नाक पर एगो माछी बैठ गेला के बाद तलवार भाजे लागेलू। जब रउआ के नइखे सुने के तो हम चला तानी। रुका, बैठा जा। अब बोला उका कहले बिया? जब से वो घर में आई बिया तो दीदी खाइल पियल सब कुछ छोड़ देले बाड़ी। रवा की समझ में आई ये फिर से रिपीट करी। तो लो अंदर जाके खा लो, कहे से कि ये जी बुरा नजर वाला लोग भी रहे लागल बा। कौन तरह माई की समझाए, उनका की कुछ खाए के चाहिए तो उनका की तबीयत और खराब हो जाए। हमार चिंता मत करी, हम एकदम ठीक बानी। रवा माई लगी जाए, माई रवा से बहुत प्यार करेनी। वो रवा के जन्म देले बानी, हम तो रवा के जिंदगी में कल के आइल बानी। केशव जी, माई लगी जाए। राउर देखभाल के करी, मीना अपने माई से बहुत प्यार करेली, इसे ओकरा ना खैला से हम परेशान बानी। लेकिन ये घर में उनका ख्याल रखे खातिर अउरी लोग बा, लेकिन राउर ख्याल रखे वाला ये घर में हमारे सिवा क्यों नहीं थे? हमके मालूम बा रउआ के हमार परवा बा, पर रउआ माई के पास जाए। केशव जी, हम यहाँ घर के रिश्तन के तोड़े खाते ना,
बल्कि उकरा के जोड़े खाती लाइल रहनी इसे हम सब है के माय के ख्याल रखे के चाहिए जो बच्चे माय लगी जाएगी जब हम चीन मारी मोहे परिवार के एकजुट देखा चाहता है लेकिन मां परिवार तोरे बिना पूरा नहीं छो ही ना जैसे कि हम पहले कह ले रहे कि सब कुछ ठीक होके में समय ला दी लेकिन ओकरा खातिर हमने की लंबी लड़ाई लड़े के पड़ी अरे लड़ाई में हमारे रघुआ हिम्मत की जरूरत पड़ी ए बड़की कनिया कबो कबो बड़ लोग के बात मान करके अपन जिद छोड़ देवे के चाहिए तारा अपन महत्व बुझे के पड़ी तू खाना पीना छोड़ देले बारू तो तारा का लागत है कि तारा ना खैला से हमने सबके केहू के मुंह में अनाज के कुक और धसी देखई केशव आ नैकी कनिया के इहो लोग नैखे खाइले मां हम जीत नैखे करत ई त खाली एगो माई के दुख डर ह हम जानतन लड़की हमरा केसो खाते हाई परिवार खाते ठीक नहीं खे हम तो खाली केसो के सुखी जीवन चाहता नहीं ठीक बा छोटकी कनिया जा लइकन लोग के खिया दो कम से कम बाकी तो प्रभु जी के मर्जी हम तो वहां से यह विनती करें कि वो हमार बड़की कनिया के सही या गलत समझे या बुझे के शक्ति देस हम मुंह में कौर तबे डाले जब की हमरा घर से निकल जाए तो चुड़ैल बन के बरगद के पेड़ से लटकत रहली हम तोरा के दुल्हन रूप देले बानी ये बात सही बा कि ना आगे भी दुल्हन के जिंदगी जिया चाहत बाड़ू कि ना तब वो जिंदगी की कीमत चुकावे के समय आ गई बा हमरा के बस कुछ पैसा चाहिए ज्यादा ना ये कुछ 4-5 लाख एक और माई के खाना छोड़े से परेशानी और दूसरा और मीना के पैसा के इंतजाम मीना काहे सब कुछ हमरा खिलाफ हो रहल बा हमके लागत बा जे हम एजा आके इतना हसद परिवार के दुख के पोखरा में डाल देले बानी हर बात पे अपने आप के दोषी ठहरावल ठीक बात नहीं क्या मीना का करी हमके ऐसे लागत बा कि हम स्वार्थी होकर जात बानी अपना मुक्ति खातिर इतना लोग के जिंदगी में दुख घोल रहल बानी जकरा के हम सब खुशी देवे के चाहत बानी वो लोग हमके हत्यारन मान लेले बाड़े हम ही गलत मैम ने उनका मन से कैसे निकाल सकीले
फिर मीना के खातिर मीनाक्षी के दोष दे रहल बानी। वो लोग मीना के खातिर दुखी बाड़े, तोहरा खातिर ना। हमके मालूम बा, लेकिन मीना, मीना भी हमरे खातिर समस्या बन गई बिया। कैसे? ऐसा मांगत बा, अपन रूप देवे के कीमत। अच्छा, तो ऐसन बात बा, तोहरा के बहुत होशियारी से चली के पड़ी। हाँ मीनाक्षी, तू मीना ना हो, ये परिवार के दुख मीना का देला, और तू बाद में आई रहे तो हके मीना का शरीर जरूर मिल गई बा, लेकिन मीनाक्षी जैसे सोचे के पड़ी और अपने आप के दोषी काहे ठहरावा तरी के सब के प्यार जीते के पड़ी और अपना कोक से ओकर संतान पैदा करे के पड़ी। अपना 50 साल पहले के वो भटकल जिंदगी के बारे में सोचे, मीना के कर्म के गंदगी के अपना कर्म के पानी से धोने के पड़े।